हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो जनको से कहता है, क्या हुआ, तुमने सारा फाइल लेकर आ गए क्या? जनको ने कहा, मैं सारा फाइल लेकर आ गया हूँ, आपको कुछ और चाहिए क्या? तियांग जनको की हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है। जनको ने कहा, बॉस आप ये क्या कर रहे हो? मिस्टर सीओ आप छोड़िए मुझे। तियांग ने कहा, जनको तुम पहले मेरी बात को समझने की कोशिश करो। एक तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हो। तुम ही मेरे बच्चे को जन्म दे सकते हो, तुम इसके लिए परफेक्ट हो। जनको ने कहा, क्या मैं बच्चा नहीं कर सकता हो? मुझे अभी बहुत सारा काम करना है। मुझे अपने लिए घर खरीदना है और मैं उस घर में अपनी मॉम डैड को रखना चाहता हूँ। मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है, मैं अभी बच्चा नहीं ले सकता हूँ। और आप मुझसे बच्चा क्यों चाहते हो? आप किसी और से शादी क्यों नहीं कर लेते हो? आपको ऐसे बच्चा मिल जाएगा। त्यार ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे अभी शादी नहीं करना है, लेकिन एक बच्चा चाहिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स को ग्रैंड सन चाहिए और मुझे भी अपने लिए एक सन चाहिए जो मेरे बाद मेरे काम को संभालेगा। क्या तुम मेरे एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हो? जनकुक मैं तुम्हें इसके लिए बहुत सारे पैसे दूंगा। जनकुक ने कहा, लेकिन मुझे ही क्यों बोल रहे हो आप? मुझे नहीं करना है और न ही मुझे कोई और पैसा चाहिए। मैं घर खरीदना चाहता हूँ लेकिन अपने पैसे से, मुझे ऐसे पैसे नहीं लेना है। त्याग ने कहा, इसमें बुराई क्या है? तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, तुम बस मेरे लिए बच्चे को जन्म दोगे, उसके बाद मैं तुम्हें इतने सारे पैसे दूंगा ना कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुम अपने लिए घर भी खरीद सकते हो और कार भी खरीद सकते हो, उसके बाद तुम अपने मॉम डैड को शहर लेकर आ सकते हो। तुम कुछ भी कर सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। टाइम को स्किप करते हुए जनकुक एक साल के बच्चे को गोद में लेकर तियांग के घर पहुंचाता है। तियांग उसने बच्चे के लिए जनकुक को फोर्स किया था और जनकुक ने उसके बच्चे को जन्म भी दिया है, लेकिन अब तक तियांग अपनी बच्ची के बारे में घर में बता नहीं पाया। लेकिन जनकुक अभी इस बात को और छुपा नहीं सकता है क्योंकि तियांग शादी करने वाला है और तियांग ने अब तक इस बच्ची के बारे में किसी को नहीं कहा। तो जनकुक इस बच्चे को लेकर तियांग के घर आ जाता है। जैसे ही तियांग को जनकुक दिखे, तियांग बहुत ही डर गया। उसकी आंखों पर गुस्सा भी था और वो इस बात को छुपाना भी चाहता है, लेकिन तियांग कुछ नहीं बोल रहा था। जनकुक तियांग के सामने बच्चे को लेकर खड़े हो जाते हैं। मिस्टर किम यानी आरएम और चिन वो दोनों सामने आ जाते हैं और कहता है, क्या हुआ तियांग, ये कौन है? क्या वो तुम्हारी सेक्रेटरी है? आरएम ने कहा, मुझे याद तो आ रहा है जनकुक, तुम तियांग की सेक्रेटरी हो ना? आरएम तियांग की बड़ा भाई है और चिन तियांग की ब्रदर इन लॉ है। मिस्टर किम आ जाते हैं और कहता है, क्या हुआ तियांग, तुम्हारी सेक्रेटरी यहाँ पर क्या कर रहा है और वो भी बच्चे के साथ? तियांग अभी भी चुप था। जनकुक ने कहा, आप कहने वाले हो या फिर मैं कहूँ? तियांग ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो मैं तुम्हें कहीं और जगह पर लेकर चलता हूँ, लगता है तुम गलती से यहाँ पर आ गए हो, है ना? जनकुक कहता है, क्या मैं गलती से यहाँ पर आ गए हो? आप बोल क्या रहे हो? क्या आप नहीं जानते हो कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? तियांग जनकुक के हाथ पकड़कर खींचकर कोना पर लेकर जाते हैं और उसे दबी आवाज में कहता है, तुम यहाँ पर बच्ची को लेकर क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना कुछ दिन तक चुप रहो, मैं सबको बताने वाला था। जनकुक ने कहा, कब? अब तो शादी करने वाले हो, लेकिन अभी तक इस बच्चे के बारे में किसी को नहीं कहा। मैंने पहले ही कहा था मुझे अभी बच्चा नहीं करना है। क्या आप भूल गए कि उस रात को आपने मेरे साथ क्या किया था और आपने मुझे कैसे सीडोज किया था बेबी के लिए, और अभी आप इस तरह से पलट नहीं सकते हो? उसके बाद जनकुक तियांग को याद दिलाने लगता है कि उस दिन रात को आप मुझे अपने घर लेकर आए थे, उसके बाद आपने जो कुछ भी किया था। तियांग को याद आ जाता है उसने ड्रीम किया था और जनकुक को बच्चे के लिए बहुत ही फोर्स कर रहे थे, प्लीज़ तुम्हें मेरे बच्चे को जन्म देना ही होगा। जनकुक भी डीन कर लेता है। उसके बाद तियांग उसको अपने रूम में लेकर आया और उसके कपड़े उतारने लगे। जनकुक भी तियांग की कपड़े उतारने में हेल्प कर रहा था क्योंकि वो भी बहुत ही हॉट फील कर रहा था। तियांग ने उसकी डीन में कुछ मिलवा दिया था। उसके बाद दोनों के बीच में वो सब कुछ हो जाता है जो नहीं होना चाहिए था, जनकुक के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जनकुक ने एक सपना देखा था जिस सपने को उसको पूरा करना था, लेकिन तियांग ने उसको सीड्यूस करते हुए उसके साथ वो सब कुछ किया। उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गए और उसने बच्चे को जन्म दिया तियांग की बातों को सुनकर। तियांग की बातों को सुनकर जनकुक कुछ महीनों तक अपने घर में ही थे और वो बाहर नहीं निकल पाया था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थे। बच्चे को जन्म देने के बाद जनकुक जब तियांग से कहा, अब वो बच्चे के साथ क्या करने वाला है? तियांग ने कहा, जनकुक तुम्हें उसको संभालना होगा क्योंकि बच्चा बहुत ही छोटा है, तो एक साल तक उसे तुम्हारे पास ही रखना होगा। जनकुक एक साल तक तुम उसका ध्यान रख लो, उसके बाद मैं उसको अपने पास लेकर जाऊंगा।
जनको को लगा शायद यही है, लेकिन तियांग अब शादी करने वाला है तो फिर जनको बैठ कर ये सब कुछ तो नहीं देख सकता है ना। तो जनको अपने बच्चे को लेकर तियांग के घर आ गया। तियांग जनको से कहता है मेरी बात को समझने की कोशिश करो, लेकिन जनको कुछ भी नहीं सुन रहा था। आर्यमा जिन तियांग और जनको को डाइनिंग टेबल के पास लेकर आ जाता है और कहता है बैठो, क्या बातें कर रहे थे तुम दोनों, जो भी बात करना है हम दोनों के सामने करो। मिस्टर किम और मिसेस किम भी आ जाते हैं और कहता है क्या हुआ, आखिर तुम्हारी सेक्रेटरी यहाँ पर क्या कर रहा है। तियांग तुम्हारी शादी होने वाला है और तुम अभी क्या करने के बारे में सोच रहे हो, और ये बच्चा किसका है, क्या तुमने शादी किया है। जनकुक तुम्हारी हस्बैंड कौन है। जनकुक वो तियांग को देखे जा रहा था। उसके बाद जनकुक ने कहा मेरी कोई हस्बैंड नहीं है। तो मिसेस किम ने कहा क्या ये क्या बात है कि तुम्हारे हस्बैंड नहीं है, क्या तुमने बिना हस्बैंड की ही बच्ची को जन्म दिया है, आखिर किसने किया होगा तुम्हारे साथ ये सब कुछ, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। वो जनकुक के लिए बहुत ही ज़्यादा अफसोस दिखा रहा था। जनकुक तो बस तियांग को ही देखे जा रहे थे। तियांग जनकुक को कुछ भी बताने के लिए मना कर रहा था इशारों से। उसके बाद तियांग ने सबसे झूठ कह दिया कि जनकुक को उसने यहाँ पर बुलाया है अपनी शादी की तैयारी करने के लिए, क्योंकि बच्चा बहुत ही छोटा है इसलिए जनकुक अपने साथ लेकर आ गया। जनकुक बस तियांग को देखे जा रहे थे। आर्यम जिन ऑफिस चले जाते हैं और यहाँ पर मिसेस किम और मिस्टर किम अपने अपने काम में लग जाता है। तियांग और जनकुक की बैठा हुआ था। जनकुक ने कहा आपने झूठ क्यों कहा, आपने ये क्यों नहीं कहा कि बच्चा आपका है और आप शादी करने वाले, अच्छी बात है, यही सही मौका है सच बोलने के लिए, तो आपने सच क्यों नहीं कहा। तियांग ने कहा जनकुक तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे पैसे क्यों नहीं दे पाया, ऊपर से मैं अपनी जन को अपने गले भी नहीं लगा सकता हूँ। जनकुक ने कहा ऐसा क्यों है, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तियांग ने कहा तो फिर सुनो, उन लोगों ने मुझसे मेरे सारे पैसे और सारे क्रेडिट कार्ड अपने पास ले लिया है, अगर मैं जेनी से शादी नहीं करूंगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो तुम बताओ अगर मैं अभी सबको कह दूंगा कि ये बच्चा मेरा है और मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ तो मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा, मैंने इतने दिनों से जो कुछ भी किया है वो सब कुछ उन लोग के पास चला जाएगा, मैं नहीं चाहता हूँ, तुम थोड़ा सा इंतज़ार करो, मैं बस जेनी से इसलिए शादी करने वाला हूँ ताकि मेरे सब कुछ मेरे पास वापस आ जाए, जैसे ही सब कुछ मेरे पास वापस आ जाएगा मैं खुद जेनी को डिवोर्स दे दूंगा और इस बच्चे को अपना कर लूंगा। जनकुक ने कहा लेकिन आप उससे शादी क्यों नहीं करना चाहते हो। तियांग ने कहा क्योंकि मुझे किसी और से शादी नहीं करना है, मुझे बस बच्चे में इंटरेस्ट है और किसी पर नहीं। जनकुक ने कहा क्या तो आप सब कुछ वापस पाने के लिए इस शादी को कर रहे हो। तियांग ने कहा हाँ बस इसीलिए, तुम थोड़ा सा इंतज़ार करो, मैं अपने बच्चे को अपना नाम दूंगा और तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। जनकुक ने कहा आई एम सॉरी, मुझे यहाँ पर इसलिए आना पड़ा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं था, मैं इस बच्चे की ध्यान नहीं रख पा रहा था, ऊपर से मेरे पेरेंट्स को पता भी नहीं है, मैं उनसे भी पैसा नहीं मांग सकता हूँ, और आप भी मुझसे बात नहीं कर रहे थे, मुझे इग्नोर कर रहे थे, मुझसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया, तो मुझे यहाँ पर आना पड़ा, मुझे गलती हो गया है। तियांग ने कहा कोई बात नहीं, मेरी ही फॉल्ट है कि मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा और बच्चे का भी, अच्छा हो कि तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो यहीं पर ही रह लो, जैसे मेरी शादी हो जाएगा और सब कुछ मेरे पास आ जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे पैसे भी लौटा दूंगा और तुम्हारे घर और कार भी सब कुछ खरीद कर दूंगा, ठीक है, एक बार सब कुछ ठीक हो जाने दो। जनकुक ने कहा ठीक है मैं समझ गया। उसके बाद जनकुक भी तियांग के घर पर ही रहना शुरू कर दिया। तियांग की शादी की शॉपिंग करने के लिए जनकुक को साथ में लेकर जा रहा था। जनकुक कहता है क्या हुआ, आपने आज इतना सारा शॉपिंग क्यों किया है और आपने मेरे लिए भी इतना शॉपिंग किया है। तियांग ने कहा जनकुक यही मौका था कि मेरे पास पैसे थे तो मैं तुम्हारे लिए भी शॉपिंग कर लिया, क्योंकि घर जाने के बाद ही मुझसे क्रेडिट कार्ड छीन लिया जाएगा। जनकुक कहता है अगर उन लोगों ने पूछा कि आपने मुझे शॉपिंग क्यों करवाया है तो आप क्या कहने वाले हो। तियांग ने कहा क्यों, मैं तुम्हारी बॉस हूँ और मेरी शादी में मैं तुम्हें कपड़े खरीद कर दे सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और मैं अपने सन को आज तक कुछ भी नहीं दिया है तो मुझे तो इतना करना ही था और तुमने मेरे इतना कुछ किया है, तुम्हारा शुक्रिया। बच्चा तियांग को देख कर बहुत ही खुश हो रहा था। तियांग बच्चे को गले लगाता है और उसको गले लगाने के बाद तियांग को बहुत अच्छा लगा। घर जैसे ही आ जाते हैं तियांग ने जनकुक से कहा आप फिर से मुझे अपने बच्चे से ही दूर रहना होगा। जनकुक ने कहा इतना पेशेंट मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जनकुक को धीरे धीरे तियांग अच्छे लगने लग गए थे। जनकुक ने कहा मुझे ऐसी फीलिंग क्यों हो रहा है, उनकी शादी होने वाले है जेनी के साथ, चाहे वो जेनी को डिवोर्स ही क्यों ना दे दे, लेकिन इससे मुझे क्या, मैं तो बस उनकी बच्ची को जन्म देने के लिए उसे कांटेक्ट किया था, अब वो पूरा होने वाला है और मैं उनसे कभी नहीं मिलूंगा, लेकिन मुझे इस बारे में सोचकर ही इतना बुरा क्यों लग रहा है,
कहीं मैं उनसे प्यार तो नहीं करने लग गया। तियांग भी जंगको को देखे जा रहे थे। फाइनली वो दिन आ ही गया जब तियांग और जेनी की शादी होने वाले है। जंगको अपने बच्चे को गोद में लेकर एक कोना पर खड़ा था और तियांग और जेनी साथ में थे। जेनी तियांग की हाथ पकड़ने ही वाले थे, तियांग उससे अलग हो गए। जेनी ने कहा, तियांग तुम उसे दूर क्यों जा रहे हो? आज हमारी शादी है, आज तो तुम ऐसा मत करो ना। और वो उसकी गले को पकड़ लेता है और अपनी लिप को पाउट कर लिया ताकि तियांग उसे किस कर सके। लेकिन तियांग जेनी के हाथ को अपने से छुड़ाते हुए कहा, ऐसे चिपको मत, तुम मुझसे दूर रहो। जेनी ने कहा, क्या तियांग तुमने मुझे अभी क्या कहा कि मैं तुमसे दूर रहो? आखिर तुम मेरे हस्बैंड बनने वाले हो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम ऐसे नहीं कह सकते हो। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? तियांग ने कहा, प्यार प्यार तो दूर की बात है, मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करता हो। तुम बहुत ही चिपकू हो और मुझे ऐसी औरत बिल्कुल पसंद नहीं। जेनी ने कहा, क्या तियांग हाउ रूड यू आर, तुम मुझे इस तरह से नहीं कह सकते हो। जेनी रोने की एक्टिंग करने लगता है। यहाँ पर जेहोब जेनी के पास आकर कहता है, नाटक करना बंद करो, मुझे पता है तुम ये सब कुछ नाटक कर रहे हो ना, तुम्हें बस तियांग की पैसे से मतलब है। तुमने उसकी मॉम डैड से कहा था उससे सारी पैसे और सब कुछ छीन लेने के लिए, क्योंकि वो सब कुछ तुम्हारे हवाले करना चाहते हो तुम। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, तियांग को मैं अपना भाई मानता हूँ। मैं तियांग को कभी इस तकलीफ में नहीं देख सकता हो, और मुझे पता है तियांग तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगा और ना ही वो तुमसे शादी करना चाहेगा। वो तो बस तुमने उसको मजबूर कर दिया, वरना तो वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता है। जेन ने कहा, क्या जेहोब तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो? तियांग ने कहा, जेहोब ने अभी जो कुछ भी कहा है वो सही है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ जेनी। जेन ने कहा, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तियांग? तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तियांग ने कहा, तुम कौन होते हो ये सब कुछ बोलने वाले? आखिर वो सब कुछ मैंने कमाया है, तुम उससे कोई नहीं छीन सकता है। आरएम कहता है, तियांग तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम्हें जेनी से शादी करना होगा, वो हमारी बिजनेस के लिए अच्छा होगा। तियांग ने कहा, अगर करना है तो आप कर लीजिए, मुझे नहीं करना है। तो जिन ने कहा, क्या तुम अपने भाई से कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि आरएम मुझसे प्यार करते हो, हम दोनों मैट कपिल है। तियांग ने कहा, अगर आप दोनों शादी कर सकते हो प्यार करने के बाद, तो मुझे मेरी पसंदीदा लड़की के साथ शादी करने का मौका क्यों नहीं मिल रहा है? मुझे जेनी से ही क्यों शादी करना पड़ेगा? तो मिस्टर किम ने कहा, क्या तियांग तुम्हें क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हें कोई और पसंद है? कौन है वो लड़का? तियांग जंगकुक की हाथ पकड़कर सामने लेकर आ जाता है। जंगकुक बहुत ही शौक हो जाता है। जंगकुक को लगा तियांग वो सबके सामने नाटक कर रहा है, वो जंगकुक से प्यार क्यों करेगा? शायद ये भी तियांग का नाटक की एक हिस्सा ही है। तो जंगकुक कुछ भी नहीं कहता है, बस तियांग का साथ दे रहा था। लेकिन तियांग ने जैसे ही कहा, मुझे अभी जंगकुक से शादी करना है, जेनी से नहीं, और मेरे पास जो कुछ भी था वो सब कुछ मैंने अपने पास लौटा कर लाया। वो चाहकर भी कोई मुझसे छीन नहीं सकता है, क्योंकि उसको मैंने अर्न किया है और जेहोब ने मेरी मदद किया है। जेहोब कहता, हाँ तियांग के पास उसकी सब कुछ मैंने लौटा दिया है, अब कोई उसे वो सब कुछ छीन नहीं पाएगा। यहाँ पर जंगकुक ने कहा, क्या क्या सच में आप मुझसे शादी करना चाहते हो या फिर नाटक कर रहे हो? तियांग ने जंगकुक के हाथ को कसके पकड़ते हुए कहा, क्यों, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? अगर मैंने कहा कि मैं तुम्हें पूरी लाइफ के लिए अपने पार्टनर बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मना कर दोगे? जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शौक में थे, वो कुछ नहीं कह रहा था। तियांग समझ गया था कि जंगकुक को यकीन नहीं हो रहा है, इसलिए तियांग ने जंगकुक को अपनी ओर खींचा, उसकी कमर में एक हाथ से कसके पकड़ लिया और एक हाथ से अपनी बच्ची को गोद में लिया और जंगकुक की लिप पर किस करने लगा। तियांग जब जंगकुक से अलग हुए तब जंगकुक को भरोसा नहीं हो रहा था कि अब अभी तियांग ने उसे किस किया है, उसे लगता है सपना है, कुछ ही पल में वो टूट जाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही मिस्टर किम ने कहा, तियांग तुम्हें क्या कर रहे हो, तुमने देखा नहीं क्या जंगकुक किसी और के साथ पहले एक बच्ची को जन्म दे चुका है, तुम ऐसे लड़के से प्यार कैसे कर सकते हो? तियांग ने कहा, बस बहुत हो गया, आप लोग उस पर उंगली नहीं उठा सकते हो बिना कुछ जाने। जंगकुक की बच्चा जो है किसी और का नहीं, वो मेरा है, मैं ही उसका डैड हूँ और मैंने ही जंगकुक को सीरियस किया था इस बच्चे को जन्म देने के लिए, क्योंकि मुझे बच्चा चाहिए था। मुझे लगा था बच्चे को मैं लेकर आ जाऊँगा घर पर तो आप लोग खुश हो जाओगे और मेरी शादी की बात नहीं करोगे, लेकिन आप लोगों को तो कुछ और ही चाहिए था। आप लोगों ने पहली जेनी के साथ मेरी शादी को तय करके रखा था और जेनी की बातों को सुनकर मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। टाइम को स्किप करते हुए जंगकुक वो चेयर पर बैठा हुआ था और मिसेस किम जंगकुक को अपने हाथों से खाना खिला रहे थे और उसे कह रहा था, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम प्रेग्नेंट हो,
आखिर तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो जनकुक, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतने अच्छे होंगे। यहाँ पर तियांग शाओ ले रहे थे। वो शाओ लेने के टाइम पर बहुत ही खुश लग रहा था। तियांग मन में कहता है, जनकुक मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो। शायद तुम्हें नहीं पता है कि मैं तुम्हें पहले से पसंद करता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम मेरी सेक्रेटरी बनकर आए थे, मुझे तभी तुमसे प्यार हो गया था। जनकुक दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा, तियांग क्या कर रहे हो? चलो बाहर आ जाओ, तुम्हें ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर बुला रहा है। सब लोग बाहर हॉल में हैं। तुम खाना नहीं खाओगे क्या? तुम इतना देर क्यों हो रहा है? देखो तेगुक भी उठने वाला है, जल्दी बाहर आ जाओ, वो उठकर ही तुम्हें देखना चाहता है, तुम जानते हो ना। तियांग ने कहा, जनकुक वो मैं टावल लाना भूल गया, क्या तुम मुझे टावल दे सकते हो? जनकुक ने कहा, क्या वो तो वॉशरूम के अंदर ही है ना, तुम अच्छी तरह से देख लो। तियांग ने कहा, नहीं है, वरना मैं तुमसे क्यों कहता, मैंने दरवाजा खोला है, तुम टावल लेकर अंदर आ जाओ। जनकुक ने कहा, तियांग मैं टावल अपने हाथ में रखकर बाहर ही खड़ा हूँ, तुम अपने हाथ आगे लाओ, मैं तुम्हारे हाथ में देता हूँ। तियांग ने कहा, तुम क्यों नहीं अंदर आ जाते हो? मैंने ऐसे भी अपनी आंखें बंद करके रखा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जनकुक ने कहा, ऐसा क्यों? तियांग कहता है, पानी खत्म हो गया लगता है, मेरी आंखों में सोख चला गया, क्या तुम पानी लेकर आ सकते हो? जनकुक ने कहा, रुको मैं अभी लेकर आ जाता हूँ। तियांग की आंखों में सोख चला गया, उसकी आंखें जल रहा है, सुनकर ही जनकुक अंदर आ जाता है। और यहाँ पर तियांग जनकुक को दीवार के साथ टाइटली पकड़कर उसकी लिप पर किस करने लगा। जनकुक तो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, ऊपर से तियांग ने उसके हाथ को टाइटली पकड़ के रखा था। कुछ देर बाद जनकुक और तियांग दोनों ही बेड पर थे। दोनों वॉशरूम से बाहर आने के बाद दोनों बेड पर लेट गया था। तियांग जनकुक को अपनी बाहों में लेकर बेड पर लेटा हुआ था और जनकुक की फोरहेड पे किस करते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं फिर से डैड बनने वाला हूँ। जनकुक ने कहा, तियांग बस करो, तुम्हें क्या कर रहे हो? तुम आखिर ऐसे कैसे कर सकते हो? पहले हमारे पास एक सन है और तुमने फिर से मुझे प्रेगनेंट कर दिया, आखिर तुम्हें कितने बच्चे चाहिए? तियांग ने कहा, मुझे 5 बच्चे चाहिए। जनकुक ने कहा, क्या मैं तो मर ही जाऊंगा? तियांग इस बारे में सुनकर ही मुस्कुराता है और जनकुक की फोरहेड पे किस करते हुए कहा, डरो मत, मैं तो मजाक कर रहा था। जनकुक ने कहा, तुम पर कोई भरोसा नहीं, तुम कुछ भी कर सकते हो। तियांग ने कहा, वो तो है, मेरा इरादा बदल भी सकता है। इसके बाद तियांग जनकुक की लिप पर फिर से किसका लेता है। यहाँ पर तेगुक वो रोने लगता है। तियांग जनकुक से अलग होते हुए कहा, क्या ये सन मेरा ही है ना जनकुक? जनकुक तियांग से कहता है, आखिर तुमने मुझसे ऐसा क्यों पूछा? आखिर तुम्हारी कहने का मतलब क्या है तियांग? तियांग ने कहा, क्योंकि वो हम दोनों को क्लोज आते हुए देखकर वो हमेशा रोता क्यों रहता है? मुझे तो कभी कभी शक होने लगता है कि वो मेरा सन है भी या नहीं। जनकुक उसे समझा देना कि जब भी मैं तुम्हारे करीब रहूं वो रोना बंद करे। वो रोने क्यों लग जाता है? जनकुक ने कहा, तियांग तब तो तुम्हें उससे बात करना होगा, लगता है वो तुमसे जेलस है। तियांग जनकुक को कहता है, ठीक है मैं ही उसको समझाता हूँ, और तेगुक के पास जाकर उसको समझाने लगता है। देखो जब भी मैं तुम्हारे अप्पा के करीब जाता हूँ तुम रोना मत, ठीक है? वरना मैं तुम पर गुस्सा करूँगा। जनकुक ने कहा, ऐसे बात करता है कोई क्या? आखिर तुम बहुत ही रूढ़ हो। तियांग ने कहा, जनकुक तो तुम ही मुझे समझाओ कैसे बात करना चाहिए। और इसके बाद जनकुक तियांग को समझा रहा था। आर्यमोजिन जनकुक और तियांग को इस तरह से खुश देखकर वो दोनों भी बहुत ही खुश लग रहे थे। आर्यम ने कहा, जिन कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा है क्योंकि हमारे पास और मैंने तुम्हें बच्चा नहीं दे पाया? जिन ने कहा, आर्यम मुझे बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि मैं जनकुक और तियांग को अपना बच्चा ही समझता हूँ और तेगुक तो है ही मेरा सन। तो आर्यम ने कहा, जिन तुम बहुत अच्छे हो, मैंने तुमसे शादी करके कोई गलती नहीं किया है। और वो भी जिनकी लिप पर किसका लेता है। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।